तो भाई आप लोग यहां जापान में रहते हो, यहां बहुत ज्यादा साइंसी तरक्की है। जिसको जापान का पासपोर्ट मिल गया पाकिस्तान में के हिसाब से, वो इस वक्त जन्नतुल फिरदौस में, समझ रहे हैं। अभी एक साहब मुझसे कह रहे थे कि मैं जापान में रहता हूं, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा। मैंने कहा यह हो नहीं सकता कि आप जापान में रहते हो और पाकिस्तान से आपको रिश्ता ना मिले। लड़की वालों को जब पता चलेगा लड़का जापान में रहता है, तो हो नहीं सकता कि रिश्ता ना दे। आप ये बोलो आपको यहां नहीं मिल रहा, ये बोलो आप, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बंदा लड़का जापान में रहता हो और लड़की पाकिस्तान में और वो रिश्ता ना दे रहे हो। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो शख्स पाकिस्तान से बाहर जाके रह रहा है, पाकिस्तानियों की नजर में वो कामयाब है, उसको अब जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तानियों के जो हालात आपको पता ही होंगे, जो क्या हालात चल रहे हैं वहां, आए दिन डकैतियां, चोरियां, मोबाइल छीना जा रहा है, जेब कुतरे घूम रहे हैं, बस में जाओ तो नीचे उतरो तो बटवा गायब, बीसियों किस्म के मसाइल चल रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमें ऐसे हुक्मरान दे जो ईमानदार हों। और मैं लोगों से कहता हूं भाई देखो, हमें ये जो इस्लाम बुरा नहीं है, लोग समझते हैं कि हमारा चूंकि इस्लामी मुल्क है ना इसलिए ये हालात हैं, ना 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 ना, ये मतलब नहीं। इस्लामी मुल्क की वजह से हालात खराब नहीं है, हमारे मुल्क के हालात खराब हैं उन लोगों की वजह से जिनके पास हमारे मुल्क की लगाम है, जिनके हाथ में। और इनमें अगर कोई खामी है, इतनी तरक्की के बावजूद अगर खुदकुशियां हो रही हैं, तो उस इस्लामी निजाम ना होने की वजह से हो रही है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं निजाम इस्लामी हो, हमारे मुल्क का जो आईन है कुरान और सुन्नत, ये हुक्मरान हमें चंद दिन के लिए उधार दे दो, इंशाल्लाह हम जापान से आगे निकल जाएंगे। और हमारे वाले हुक्मरान जापान को एक हफ्ते के लिए उधार दे दो, इनका हमसे ज्यादा बेड़ा गर्क ना हुआ तो मेरा वीजा कैंसिल करवा देना जापान का, हमसे ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा इनका, एक हफ्ते के लिए इनको उधार दे दो और इनके वाले एक हफ्ते के लिए हमको दे दो, हम इनसे आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है कि इनके पास मादी तरक्की है, अल्लाह का इल्म जो कुरान और सुन्नत का इल्म है, जो पैगंबरों का इल्म है, वो इनके पास नहीं है। हमारे पास पैगंबरों का इल्म है मगर उस पर अमल नहीं है, जिसकी वजह से ना हम दीन के रहे ना हम दुनिया के रहे।